देखो बेटा, इस सवाल में सर क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है 2.5 न्यूटन का जो एक्सलेट कर रहा है किसको, एक स्टेशनरी पार्टिकल को जिसका मास 15 g, g मतलब मास है तो क्या होगा, ग्राम है, अगर वेट के साथ जी होता तो क्या हो जाता, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता, और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 2.5 मीटर का। दो बातें निकालनी है, एक वर्क डन और ध्यान दिया जाए एवरेज पावर डिलीवर निकालनी है, केवल पावर डिलीवर नहीं एवरेज निकालना है। तो आइए पहले वर्क डन निकालते हैं, एक छोटा सा फिगर बना के समझा दें। ये आपका एक पार्टिकल है जो पॉइंट जो कि आपका 15 ग्राम का है, और इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया कितने का, 2.5 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट भी करा दिए तो जाहिर सी बात है जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। आप हमारी बात समझ गए होंगे कि हम दो वेक्टर को ले रहे हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, 10th पास करके 11th में आ गए हैं, तो वर्क डन आप बड़े आराम से निकाल देंगे। कैंसर हमको मालूम है, इश्क मासूम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी जब कॉस थीटा करेंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डॉट है तो कॉस थीटा आ जाएगा, यानी किस किस के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा, समझते ही हो। अपोजिट में, अरे भाई बताए हैं, सेम में 0 हो गया, अपोजिट में 180 हो गया, एम आई राइट, अपोजिट में 180 हो गया। आप हमारे चैनल में देखिए बहुत से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस वीडियो मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स एम आई राइट 90 डिग्री है तो क्या होगा, इनके बीच में इस तरीके का है तो 90 डिग्री, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है फोर्स इधर ले रहा है तो 180, सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो आपका पहला पार्ट तो बड़ा आराम से हो गया क्या, कि एफ इंटू एस आ गया, एफ है 2.5, एस भी 2.5 मीटर है, 25 25 625, 6.25 जूल हो गया, यहां से यहां ले आने पे इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा इतनी एनर्जी का, ठीक। अच्छा आ गया ये एवरेज पावर डिलीवर। अब देखो बेटा, जब आपको टाइम नहीं दिया है तो आप पावर किससे निकालते, वेलोसिटी से निकालते, ये वाली मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मास दे रखा है और फोर्स दे रखा है, तो इसलिए आप एक्सेलेरेशन प्राप्त कर लेंगे। एवरेज निकालनी है, यानी कि आपने कहा पावर, इनिशियल पावर निकाल लेंगे, यहाँ पे कितनी पावर की जरूरत है, यहाँ पे कितनी पावर की जरूरत है, बस उसका एवरेज ले लेंगे, यानी दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इनिशियली आपके पास क्या है बेटा, वेलोसिटी 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ यू भले ही कॉस 0 हो जाए, इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू यू, और यू आपका क्या है, 0 है, तो बुरी संगत का बुरा असर। लीजिए साहब इनिशियल पावर तो निकल आए, अब बेटा आपको क्या निकालना है, कहने लगे भाई साहब हमें फाइनल पावर निकालनी है, तो उस समय हमने कहा फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जा रही, देखिए इधर फोर्स है इधर ही वेलोसिटी है, तो आप कहेंगे एफ बी दोनों के बीच का एंगल कॉस 0, सेम डायरेक्शन, ये तीनों केस सिखा दिए हमने आपको, ध्यान रखिएगा ये हो गया कॉस 0, कॉस 0 सेम है, तो एफ वी निकाल लो बेटा कहीं से, तो तुम्हारा काम बन जाए, तो वी निकालना बहुत आसान है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ये स्टेशनरी था 0 था, एक्सेलेरेशन अगर फोर्स और मास मालूम है एक्सेलेरेशन आ जाएगा, बस आपका वी आ गया 2, फोर्स कितना है 2.5 न्यूटन का, मास कितना है 15 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लिया जाए 0.25, डिस्प्लेसमेंट इसको हटाओ इसको हटाओ, कितना पाओगे -2, इससे इससे कट जाएगा एक बचेगा, इसको इधर ले लीजिएगा इसको इधर कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 25 × 25, यही तरीका है फास्ट कैलकुलेशन करने का, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 25, बस काम बन गया, 2.5 × 25
25 दूनी 50 अपॉन रूट थ्री। इससे इसको हटा दीजिए, 125 1.732 कर दीजिए। कैलकुलेटर जी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हम जल्दी से देख लें कि मेरा फाइनल पावर कितनी आ रही, 1.732। ये है आपकी 72.2 ले लें या 1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने वॉट। अभी एवरेज चाहिए आपको बेटा, एवरेज के लिए यानी इसके लिए एवरेज इनपुट और आउटपुट इनिशियल और फाइनल को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी 0.2/2। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 वाट, ये आपकी एवरेज पावर हो गई।